अच्छा, सबसे पहले हमारे पास DBMS के अंदर अगर हम सबसे पहले डेटाबेस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस हमारे पास आमतौर पे दो टाइप की होती हैं। सही है, एक नॉर्मल डेटाबेस हो गई हमारी, उसको ठीक है, एक नॉर्मल डेटाबेस हो गई हमारे पास, दूसरी हमारे पास RDB हो गई जो कि रिलेशनल डेटाबेस होती है। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली जितनी भी रिलेशनल डेटाबेस हैं उन सब के अंदर हम बेसिकली SQL को यूज़ कर रहे होते हैं वैसे। ठीक है, जो नॉर्मल DB होती है ये आमतौर पे NoSQL बेस्ड होती है। तो ये शायद ही कोई, वैसे गूगल वगैरह तुम लोग करोगे तो शायद ही वैसे कोई मिलेगी रिलेशनल डेटाबेस जो बग़ैर SQL के होगी। एक शायद IBM की कोई है, मुझे नाम नहीं याद, वो शायद SQL बेस्ड नहीं है, मगर वो शायद रिलेशनल डेटाबेस आए थे। वरना वैसे सारी रिलेशनल डेटाबेस हमारी क्या कहते हैं SQL बेस्ड होती हैं। सही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास DBMS है। सही, DBMS सिंपली बेसिकली ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होगा। सही है, जिसके थ्रू हम अपनी डेटाबेस को लाइक मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, लाइक सिंपली अगर हम बात करें जैसे जावा, लाइक एक लैंग्वेज है, लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत सारी हो जाएंगी। जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है। सही, जैसे पाईचार्म जो है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, एक IDE है सिर्फ पाइथन के लिए। सही है, इसी तरह फिर नेटबीन्स या एक्लिप्स वगैरह या क्या कहते हैं इंटेलिजे वगैरह, ये जावा के लिए। तो इसी तरह डेटाबेस के भी अंदर होते हैं हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस होती हैं। सही है, डेटाबेस की अगर हम एग्जांपल लें, सही है, DB को छोड़ दो, DB का हमारे पास वैसे कोई काम है नहीं। सही है, DB आमतौर पे जैसे अगर हम पाइथन की डिक्शनरी की बात करें ना, लाइक की वैल्यू पेयर्स जो होते हैं तो वो नॉर्मल जो NoSQL यानी DB से मुराद आमतौर पे NoSQL डेटाबेस तो होते हैं। सही, सिर्फ अगर हम डेटाबेस, लेकिन नॉर्मली मेजॉरिटी जगह पे हम रिलेशनल डेटाबेस को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल DBs होती हैं, सही है, जिनके अंदर सिर्फ की वैल्यू पेयर होते हैं, आई थिंक शायद मोंगो DB जो है वो आई थिंक की वैल्यू पेयर पे वर्क करती है, यूज़ तो नहीं करी लेकिन आई थिंक शायद पढ़ा था या देखा था कहीं। तो सही, ये चीज़ हो गई। फिर एक सेकेंड, ठीक है, तो हमारे पास एक डेटाबेस आ गई। डेफिनेशन वगैरह वैसे नेट से उठाई है, वो देखने हो तो देख लेना। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास वैसे हम वैसे रिलेशनल डेटाबेस, हम जहाँ भी डेटाबेस की बात करेंगे हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करेंगे। जो नॉर्मल हमारी डेटाबेस थी जैसे NoSQL, MongoDB वाली जो डेटाबेसेज हैं, MongoDB वगैरह, उसमें कुछ खास नहीं होता। उसमें हमारे पास लाइक एक सिंपल की वैल्यू पेयर्स होते हैं जैसे हम पाइथन की डिक्शनरी में होता है, लाइक या नॉर्मल डिक्शनरी में भी एक वर्ड का लाइक एक मीनिंग है, तो NoSQL डेटाबेस में वही चीज़ होती है सिर्फ, और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। से रिलेशनल डेटाबेस के अंदर अगर हम बात करें, रिलेशनल डेटाबेस में क्या चीज़ फ़र्क है? तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारे पास लाइक डिफरेंट टेबल्स होते हैं। सही है, लाइक ये टेबल वन हो गया एक, सही है, फिर एक हमारे पास टेबल टू हो गया। सही है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, अब टेबल वन की मिसाल के तौर पे इतना डेटा है, टेबल वन टू का इतना डेटा है जितना भी डेटा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चीज़ हो गई, लेकिन इसमें लाइक रिलेशनल का क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर। ठीक है, तो रिलेशनल से मुराद DBMS के अंदर हो जाएगी, एक सेकेंड, सही है, RDBMS की जैसे ये एग्जांपल में मिल जाएगा। सही है, उसमें जैसे कि इसको, एक सेकेंड, सही, जैसे यहाँ पे बेसिकली कि हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास लाइक टेबल्स के अंदर हम रिलेशन बनाते हैं जो हम फॉरेन की या प्राइमरी की वगैरह होती है ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली हम डिफरेंट टेबल्स के दरमियान ना लाइक रिलेशन बनाते हैं, लाइक टेबल वन का टेबल टू के साथ कोई रिलेशन होगा। ठीक है, वो वाली चीज़ है। बाकी फिर अगर हम जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में देखें तो लाइक हमारे पास एक कस्टमर इंफॉर्मेशन है, लाइक सिंपली देखा जाए तो एक ये यूज़र का डेटा है। ये लाइक उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, फिर उसकी कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी को हम एज अ सिंपल आईडी के तौर पे भी ले सकते हैं, कस्टमर आईडी आईडी एक ही चीज़ हो गई फ़िलहाल। ठीक है, अच्छा, कस्टमर आईडी बेसिकली यूनिक होगी। सही है, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिमिलर हो सकते हैं, एड्रेस पॉसिबल है कि सिमिलर हो, एक ही घर के दो बंदे हो सकते हैं। ठीक है,
तो वो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन कस्टमर आईडी लाइक सबकी डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी तरह फिर अगर हम प्रोडक्ट ऑर्डर्स की बात करेंगे ना, प्रोडक्ट ऑर्डर्स के टेबल बेसिकली कस्टमर इंफॉर्मेशन का जो टेबल है उसके अंदर बेसिक यूज़र डिटेल है, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्ट ऑर्डर्स के टेबल में जाएं, जो लाइक मेन इन्फॉर्मेशन वाले जो टेबल हैं प्रोडक्ट ऑर्डर्स के टेबल के अंदर, वो प्रोडक्ट का नेम हो गया, सही है, जो भी होगा एक्स वाई जी, यहाँ पे प्रोडक्ट 01 करके दिया हुआ एग्जांपल के तौर पे, सही, और उसकी ऑर्डर की डेट है मिसाल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह यूज़र कस्टमर इन्फॉर्मेशन के टेबल में देखें तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस हमारे लिए लाइक काम के टेबल हैं, सही है। कस्टमर आईडी और का जो यानी कॉलम है, और प्रोडक्ट ऑर्डर्स के अंदर जो जो कस्टमर आईडी का कॉलम है, लाइक ये हमारे लिए इतना कोई मीनिंगफुल वैसे नहीं है, ठीक है, यानी इसके अंदर कोई ख़ास हमारे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन लाइक यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमने कस्टमर आईडी 01 है, सही है, किसकी है, जॉन स्मिथ की, मिसाल के तौर पे CD0001 है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर्स का अंदर हमारे पास एक ही रिकॉर्ड था, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइक इसके इस रो में क्या कहते हैं, इसके इस रिकॉर्ड की जो कस्टमर आईडी है, इस प्रोडक्ट ऑर्डर का जो ये रिकॉर्ड है, इसकी स्पेसिफिक एक कस्टमर आईडी होगी और वो ये वाली है CD0001। अब अगर हम इस CD0001 को कस्टमर इन्फॉर्मेशन के टेबल में सर्च करेंगे, हमें पता है कस्टमर आईडी यूनिक है, सही, कोई एक ही यूज़र हो सकता है, कोई एक ही कस्टमर हो सकता है। तो अगर हम उसको कस्टमर इन्फॉर्मेशन के टेबल के अंदर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा यार ये इस कस्टमर ने लिया था। तो यहाँ पर ना एक वैसे ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आता है, ज्वाइन की हम आगे बात करेंगे, वो एडवांस चीज़ है, सही है। तो लाइक ये यहाँ पे हम इस तरह से ना लाइक रिलेशंस बनाते हैं। और अगर हम सिंपली भी एक वैसे बात करें कि जैसे अगर हम मिसाल के तौर पे इसको, जैसे अगर हम मिसाल के तौर पे अगर इसका ये मिसाल के तौर पे नेम हो गया, ये ईमेल हो गई, और ये मिसाल के तौर पे पासवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास लाइक नेम में कुछ भी हो सकता है, सामा हो गया, ठीक है। उसके बाद ईमेल में मिसाल के तौर पे sama@gmail.com हो गया, ठीक है, कुछ भी सही है। पासवर्ड में हमने PW1 कर दिया, ठीक है।